नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज़ छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबरी सेतु की हालत जर्जर, जगह जगह दिख रहा छड़ ऊपर सतह, अनेक जगह दरार, राहगीर रिक्शा लेकर आवागमन करने पर मजबूर। गैरतलब है कि सबरी सेतु जो कि जिला बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा जिले को जोड़ने वाला पुल है, पुल में प्रतिदिन में हजारों भीम काय वाहन समेत सभी वाहन राहगीर आवागमन कर रहे हैं। पुल को 25 वर्ष हो चुका है, जगह जगह पुल में छड़ दिख रही है, अनगिनत जगह जगह दरार है और वहीं राहगीर आवागमन करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि शासन प्रशासन को मालूम नहीं, बीच बीच में नाम मात्र खाना पूर्ति रिपेयरिंग करते हैं, फिर वही स्थिति जस के तस हो जाती है। जैक्स न्यूज़ टीम द्वारा भेंट वार्ता मुलाकात के दौरान प्रेस वार्ता के दौरान सबरी सेतु पुल की हालत से अवगत कराया था, लेकिन आज भी स्थिति वैसी की है। अनेकों राहगीर ने नाराजगी जाहिर की है। सभी नागरिक सहित आसपास के क्षेत्रवासियों ने पुल की उचित मरम्मत के लिए सीजी सरकार से निवेदन किया है। ज्ञात हो कि श्री राम वन पथ गमन मार्ग में शिवरी नारायण नगर की बेहतर विकास हो रहा है। धार्मिक नगरी को गुप्त तीर्थ राज प्रयाग के नाम से जाना जाता है। प्रतिदिन पर्यटक का आना जाना बढ़ रहा है, प्रतिदिन मानो मेले जैसी स्थिति है, नगर राममय हो चुका है। सबरी सेतु पुल से सबसे अधिक आवागमन होता है। अब देखने वाली बात है कब तक पुल की स्थिति कब तक सुधरेगी, कहीं बड़ी घटना न घट जाए जिसकी परिकल्पना अभी तक अनभिज्ञ है। बैकग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, जैक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ जिला ब्यूरो चीफ गौरव रायसागर के साथ। आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़, मैं हूँ आपके साथ गौरव रायसागर। आज जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची है धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में। जैसे कि आप लोगों को बता दें, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सबरी सेतु पुल पर, और आपको बता दें कि सबरी सेतु पुल की मौजूदा हालात क्या है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि सबरी सेतु पुल की इस वक्त की हालत जर्जर हो चुकी है। हजारों की संख्या में भीम काय वाहनें इस रास्ते से, इस पुल से आवागमन कर रही है। वही आपको बता दें कि एकमात्र यह पुल है जो बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा जिले को जोड़ने वाला। ये हम राहगीरों से बात करेंगे और राहगीरों से जानेंगे कि वो लोग किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं सबरी सेतु पुल पर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार है। जी सर, बताएंगे इस पुल की जर्जर स्थिति के बारे में और लोगों को आने जाने में क्या समस्या का सामना करना पड़ा? हाँ, यहाँ पे तो लोगों को आने जाने में बहुत समस्या है, बहुत समस्या। पूरा रोड का स्थिति देख रहे हैं, पुलिया का तो पूरा उखड़ा उखड़ा है, एकदम ब्रेकर ही ब्रेकर है इसमें, और जगह जगह पर गड्ढा है और पानी जैसे कि भरता है ना, तो फिर आने जाने में बहुत परेशानी। यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होता है, आए दिन यहाँ पे तो एक्सीडेंट होते ही रहता है। क्या कहना चाहेंगे जेएक्स न्यूज़ के माध्यम से सरकार को? अब सरकार को क्या कहेंगे भाई, अब देख ले सरकार, और इसके विषय में तो सरकार को सोचना चाहिए। आए दिन दुर्घटना हो रहा है, तो उसके विषय में सरकार को भी चिंता करना चाहिए कि भाई मनुष्य मर रहा है तो बिना मतलब का मर रहे हैं सब, तो उसके विषय में सरकार को भी चिंता करके ये सब रोड को बनाना चाहिए बढ़िया से, है ट्रैफिक को आने जाने में सुविधा हो, इस टाइप का सोचना चाहिए, यही कहना है। राहगीरों को किन किन समस्या का सामना करना पड़ रहा है रोड की जर्जर स्थिति को देखते हुए, क्या कहना चाहेंगे? महोदय जी, हम लोग प्रतिदिन आना जाना भी कर रहे हैं और देख रहे हैं, इतना जर्जर स्थिति है, एक्सीडेंट भी हो जा रहे हैं, कई लोगों को जान जाने की आवश्यकता हो रही है, पड़ रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? तो हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और जितने भी हमारे मंत्रिमंडल है उन लोगों से सादर प्रार्थना है कि जल्द जल्द हमारे आम जनता के लिए इस जर्जर को तत्काल निराकरण करें। जगह जगह छड़ दिख रहा है, जगह जगह फटा हुआ है, इसको अति शीघ्र निराकरण करने की वो महान कृपा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे दीदी, जिस तरह से अभी पुल देखी जा रही है, आए दिन हादसा हो रहा है यहाँ पे? क्या बताए भाई, या तो हाथ पैर भी टूटता है जाते समय, कमर भी टेढ़ी हो जाती है, उसको क्या बता सकते हैं हम लोग। वही पानी गिरता है तो गड्ढे भी भर जाते हैं और पूरा 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 बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है यहाँ, और पूरा इसमें तो छड़ और पूरा दिखता है, गिट्टी वगैरह पूरा नहीं है, यानी समझो कुछ नहीं है इसमें। पुल की जर्जर स्थिति के बारे में, पुल यहाँ पे बहुत ही खराब है, गंदे तरीके से गाड़ी चलती है और गाड़ी आती जाती है और पूरा पुल की रद्दी हालत है,
और इस समय सरकार हमारी ध्यान नहीं दे रही है। क्या कहना चाहेंगे जो खड़े दिख रहे हैं, इसको जल्द से जल्द इसको रिपेयरिंग करवाए। आने जाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जगह जगह रोज गड्ढे हो गए हैं, इसमें बहुत गड्ढा है और छड़ वगैरह सब दिखाई दे रहा है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी किस तरह से सबरी सेतु पुल में छड़े दिख रहे हैं और रोड का जो ऊपरी परत है उखड़ गया है, गड्ढे हो गए हैं, जगह जगह पे दरारें हो गई है और दयनीय स्थिति हो गई है। आपको बता दूं सबरी सेतु पुल की, और जो आने जाने वाले राहगीर हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, आपका नाम? रविदास महंत जी। बताएंगे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? काफ़ी ज़्यादा समस्या का हल करना पड़ता है, और है जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं एक पैर से दिव्यांग हूँ और अपने जब ट्राइसिकल से आता हूँ तो मुझे और ज़्यादा परेशानी का समस्या हल करना पड़ता है, और है आज मैं अपने भाई के साथ आया हूँ तो काफ़ी देख रहे हैं आप ना, हिलते डुलते हुए जाता हूँ ना, और ये खास का समस्या ये केवल बरसात में ही नहीं है, ये 12 महीना इसी है, यहाँ की शासन प्रशासन देख भर रही है, कुछ कर नहीं रही है। क्या कहना चाहेंगे जेएक्स न्यूज़ के चैनल के माध्यम से? इस न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहूँगा आपको कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और ये मेरे जैसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नहीं होता है, ये हर इंसान के लिए होता है। जैसे खासकर मैं देखता हूँ जिनके पास, हाँ बहुत सारे, कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है, ये चौड़ीकरण के कहेंगे करते हैं, ऐसे बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं। सेतु पुल की हालत, मौजूदा हालत अभी बहुत जर्जर हो चुकी है, जैसे कि आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें दरारें आ गई है और कितने पुल की हालत जर्जर रही है। वहीं साथ ही पुल के जो साइड में लगे हुए जो बैरिगेज होते हैं वो भी किस तरह से टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। आए दिन रोड की, पुल की जर्जर स्थिति के कारण आए दिन इस पर एक्सीडेंट, हादसाएँ हो रहे हैं इस पुल पर, लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह पर यहाँ छड़े दिख रहे हैं और इसे गाड़ी को भी हानि होने की भारी संभावना देखने को सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भीमकाय वाहनों के चलने से ये छड़े जो है पूरे दिख रहे हैं और छड़े जो है नव गए हैं, और साथ ही साथ आपको बता दी बहुत सी समस्या हो रही है, पुल की जर्जर एकदम हालत हो गई है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मौजूदा हालात सबरी सेतु पुल की क्या है और किन जर्जर स्थितियों के साथ सबरी सेतु पुल अभी गुजर रही है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।